हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक से पाठ 4 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है नागरिक सुरक्षा। डियर व्यूवर्स, बिना देर के हुए हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? तो उपाय लिखिए, हवाई हमला होने पर जनता को 2 से 3 मिनट पहले सायरन द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। दूसरा है, खुले में पेट के बल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, निचले स्थान नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। चौथा है, पक्के मकानों में 90% बचाव होता है। और अंतिम पॉइंट है, गृह में शरण लेने, यानी किसी घर में शरण लेने पर 95% यानी 95% बचाव होता है। अतः उक्त विधियों से उपरोक्त छिपकर बचाव किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट करना क्यों आवश्यक है? ब्लैकआउट समझ लेते हैं कि ब्लैकआउट होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके, यानी अंधेरा करके, सभी घरों की जो लाइट्स होती हैं उनको स्विच ऑफ करके शत्रु सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैकआउट कहलाता है। यानी उनको दिखेगा ही नहीं कि कहाँ घर है, कहाँ आबादी है, तो वो एक तरीके से उनको ब्लाइंड हो जाएंगे, उनको दिखेगा ही नहीं। तो ये है ब्लैकआउट। तो अब पूछा गया है कि हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट करना क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, शत्रु द्वारा रात्रि में हवाई हमला करने की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे शत्रु जो है भ्रमित हो जाए और लक्ष्य को ना पहचान सके। अब ब्लैकआउट के समय बचाव के उपाय जो हैं वो इस प्रकार हैं, प्रकाश पर प्रतिबंध। दो स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रथम स्तर पर हवाई हमले की संभावना पर मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से रंग दिए जाते हैं। और विज्ञापन बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट भी जो है ना वो बंद कर दी जाती है। अब इसका दूसरा स्तर क्या है, हमला निश्चित होने पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो ये तो हो गया प्रकाश पर प्रतिबंध। अगला है केमाप्लाजिंग व कंसीलमेंट, यानी आकार गोपन व छद्म आवरण। इसके अंतर्गत शत्रु बम गिराने के लिए लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट कराना, हरे पत्तों व टहनियों से ढकना जरूरी होता है। इससे पायलट जो होता है वो भ्रमित हो जाता है। इसी को कहा जाता है केमाप्लाजिंग व कंसीलमेंट। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? डियर व्यूअर्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान और माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं, हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना एवं सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने देखे हैं, ये नागरिक सुरक्षा संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ यानी पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए।
गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस में आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? रसोई गैस में आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। जल्दी से गैस सिलेंडर का नॉब बंद करके बाहर निकाल देना चाहिए। डियर व्यूअर्स, हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो फिर कीजिए। नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करता है। दूसरा है, हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग का प्रकाश दिखाया जाता है। तीसरा है, रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। चौथा है, पेट्रोल से लगी आग को फोम ट्राइप यानी अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। और पांचवा है, गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर, जो कि है, निम्न कथनों में जो सही हो उनके आगे सही का चिन्ह और जो गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो लगाइए, हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है। सही, दुर्घटना में रक्त स्राव होने पर कटे स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए। गलत, हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए। सही, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए। सही, युद्ध की संभावना टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिया जाता है। गलत, हरे रंग का प्रकाश दिया जाता है। और आखिरी है, बिजली से लगी आग बुझाने के पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है, मिलान कीजिए। तो कीजिए, लकड़ी, ठोस, पेट्रोल, द्रव्य, LPG, गैस, मैग्नीशियम, धातु। डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। थोड़ा लंबा था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।